लेकिन मैं केपी ओली को कभी भी माफ नहीं करूंगा। कहता है कि ये चाइना वायरस इसको नहीं बोले, इसको इंडिया वायरस बोले। केपी ओली जो है ये बिल्कुल चाइना का टट्टू है। इनका ससुराल वही है, आपको मालूम नहीं है? ये सब शी जिनपिंग के दामाद हैं, दामाद। इस आदमी ने आर्टिफिशियल ब्लॉकेड क्रिएट करके एक स्टैटिस्टिक्स के अनुसार ये रोज का 1 करोड़ रुपए आदमी कमाता था। अभी पूछो प्रचंडा क्या पीता है? क्या ये चीन के द्वारा प्रेरित है? तो इसमें कोई शक की इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। ये किस समय हो रहा है जब हमारा, आपको मालूम है कि लद्दाख में चाइना और इंडिया के बीच में तनावपूर्ण स्थिति है, वहाँ पर अभी डिसएंगेजमेंट शुरू हुआ है। हिंदुस्तान ने यह तय कर लिया कि इस बार वो हमारा जो रवैया होगा वो बिल्कुल आक्रामक, यानी कि डिप्लोमेटिक, मैं डिप्लोमेटिक टर्म्स में बोल रहा हूँ, वो एग्रेसिव होगा, एग्रेसिव होगा, और उसका उसका जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो हमको देखने को मिल रहा है, बड़े पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज देखने को मिल रहे हैं। दूसरी ओर एक तरफ से आप देखें तो पूरी दुनिया जो है वो ये पैंडेमिक से ग्रसित है, ये कोरोना को लेके। उस समय अगर नेपाल ये रवैया अपनाता है भारत के खिलाफ, तो पता नहीं आगे क्या होगा। जितेंद्र जी मैं नहीं जानता, लेकिन मैं नेपाल की जनता को तो नहीं, लेकिन मैं केपी ओली को कभी भी माफ नहीं करूंगा, कभी भी माफ नहीं करूंगा। हम दो भाई थे, नेपाल हमारा छोटा भाई है, और हम छोटा भाई भी बनने के लिए तैयार हैं, उसमें भी कोई शक की गुंजाइश नहीं है। वो अगर आपको अपने आप को बड़ा कहना चाहते हैं, उसमें भी हमें कोई उसमें फिक्र की बात नहीं है। तो ऐसे समय में एक 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 मुल्क जिसका बेटी और रोटी का जिससे हमारा रिश्ता था, वो इस तरह से व्यवहार करे हमारे समय, जबकि हम पैंडेमिक से जूझ रहे हैं, और आपको मालूम है कि हम जियोपॉलिटिकली हम वो चाइना से जूझ रहे हैं, और वो भी क्यों जूझ रहे हैं? वो कोरोना वायरस, वो पैंडेमिक जो कि एक बायोलॉजिकल वॉरफेयर के रूप में भारत के खिलाफ अनलीश किया गया है, और केपी ओली की खुद के मुल्क को वो अनलीश किया है, खुद के मुल्क को। और ये माफ कीजिएगा, इज्जत से मुझे बात करने का दिल नहीं करता है, ये आदमी कहता है कि ये चाइना वायरस इसको नहीं बोले, इसको इंडिया वायरस बोले। और मेरी अपनी ये खबर है कि ये पीएलए को ये दावत देने वाले हैं, ये कोरोना को लड़ने के लिए नेपाल में, जिसने बायोलॉजिकल वॉरफेयर अनलीश किया उसी को बुला रहे हैं अपने देश में, और ये आपके तराई रीजन तक आने वाले ये पीएलए वाले। आपको तो मालूम है कि पहले इन लोगों ने किस तरीके से जो तराई के रीजन्स थे, और जैसे लुम्बिनी वगैरह में किस तरह से ये एक्सेस दे रहे थे, अपने हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स में इन्होंने किस तरह से उनको स्पेशल कंसेशन दिया, हमने कुछ नहीं बोला। जगह जगह चाइना स्टडी सेंटर्स इन्होंने खोला, हमने कुछ नहीं बोला, हमने ऑब्जेक्शन नहीं उठाई। एक सॉवरेन देश है, उसकी अपनी नीतियां हैं। तो इनको हम कभी भी, केपी ओली को हम कभी भी माफ नहीं करेंगे। और मैं शुरुआत से कह रहा हूं कि ये आदमी अपने मुल्क का भी नहीं है, ये आदमी अपने मुल्क का भी नहीं है। आपको मैं बता देता हूं, आप नेपाल में किसी से जाके ये बात पूछ लें कि केपी ओली के अपनी पर्सनल इंटेग्रिटी क्या है। और मुझे लोगों ने कहा,
मुझे लोगों ने कहा कि पहली बात कि नेपाल, ये केपी ओली जो है ये बिल्कुल चाइना का टट्टू है, ये प्रधानमंत्री केवल चीन के कहने पे ये बना हुआ है एट देयर प्लेजर, द मोमेंट चाइना विड्रॉज द प्लेजर, जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट का ना, प्रेसिडेंट इज प्लीज टू डिसमिस समबडी, सो दे आर प्लीज टू अपॉइंट हिम द चाइनीज एंड दे विल बी प्लीज टू डिसमिस हिम द डे दे लाइक। तो आप नेपाल में किसी व्यक्ति से आप पूछ लें, एक समझदार व्यक्ति से, कि इस आदमी का अपना चरित्र क्या है, साहब ये थरोली करप्ट आदमी है। आपको मालूम है वो पिछला जो ब्लॉकेट की बात करते हैं, ये सबसे झूठी बात है, पूरे नेपाल में वो ब्लॉकेट नहीं लगी थी, ये केवल बीरगंज वाले रूट में लगा था, और इस आदमी ने आर्टिफिशियल ब्लॉकेट क्रिएट करके एक स्टैटिस्टिक्स के अनुसार ये रोज का 1 करोड़ रुपए आदमी कमाता था, और बाद में इसने वो मनी पावर को एक्सरसाइज किया इस व्यक्ति ने। अब आप कहेंगे कि आखिर ये जो हुआ, कल मैं एक टेलीविजन चैनल पे था तो मैंने पहली बार देखा है, मैंने किताब भी लिखी है, आपको मालूम है द अनमेकिंग ऑफ नेपाल, और वो टाइटल खुद अपने आप में अपनी दास्तां बयां करती है। तो मैंने उस समय बोला था, और कल भी मैंने वो एक टेलीविज़न चैनल पे ये बात मैंने कही कि हिंदुस्तानियों को इसमें लोग बड़े चिंतित हैं, बोले अभी आप चिंतित क्यों हो रहे हो, आप में गुस्सा क्यों है, ये उम्मीद के बाहर की चीज नहीं थी, आपने खुद गड्ढा खोदा है नेपाल में अपने लिए, जिस दिन आपने इन माओवादी ताकतों को और ये कम्युनिस्ट ताकतों को आपने पनपने दिया, उनको इनडायरेक्टली उनको सारी मदद पहुंचाई। और आपको मालूम है कि दुनिया में द फर्स्ट, मतलब किसी भी कंट्री में फर्स्ट इलेक्टेड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट विच हैज कम टू पावर बाय इलेक्शंस, वो नेपाल में। और ये हमारे यहां, ये नीति बनाने वालों के, जो हमारे यहां लोग नीति, मैं कहता हूं ना कि हमारे यहां तो पता नहीं हम हैं क्या, हिंदुस्तान देश क्या है, हम तो जानते हैं बस इतना कि ये हिंदुस्तान है। तो आप तो खुद उस गलत रास्ते पे चल पड़े, वो जो सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म के रास्ते पे, और आपने उनको भी ठेल दिया, नेपाल को भी। वरना मैं हमेशा कहता था इनको कि आप एक बात का एहसास आपको होना चाहिए कि चाहे वो हिंदुस्तान हो या वो नेपाल हो या कोई देश हो, अल्ट्रा लेफ्टिस्ट जिसके हमारे यहाँ माओवादी कहते हैं, उनके यहाँ भी माओवादी कहते हैं, और जो ये कम्युनिस्ट है उनमें कोई फर्क नहीं है। तो मुझे लोग यहाँ पे, बहुत सारे लोग मेरे को ज्ञान दे रहे थे, उन्होंने ज्ञान देना शुरू किया, नहीं 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 ये ऐसा नहीं है, हिंदुस्तान में भी ऐसे यही कर रहे थे। और मैंने बड़ी बड़ी बारीकी से ये अध्ययन किया था, मैंने दोनों, ये चाइना के द्वारा स्पॉन्सर्ड है, और एक पार्लियामेंट्री रूट है और दूसरा वो आर्म्स वाली रूट, आर्म्स वाली, उसको आपने प्रोत्साहित किया, यहां तक आपने प्रोत्साहित किया कि जब ये आए, और जब चीन ने, मुझे मालूम था कि ये चीन इन दोनों को साथ में ले आएगा जब जरूरत जब भी पड़ेगी, अलग अलग जो रास्ते हैं, कभी वो प्रचंडा को बुला लेता था, कभी माधव नेपाल को, कभी केपी ओली को, ये सारे के सारे, इनका ससुराल वही है, आपको मालूम नहीं है, ये सब शी जिनपिंग के दामाद हैं, दामाद। तो दामाद जी को कहिए, ओलंपिक के पहले एक दामाद जी, वो प्रचंड, वो कहां का प्रचंड है मुझे नहीं मालूम है,
ऐसे ऐसे कितने प्रचंड घूमते रहते हैं। वो दामाद जी को बुलाया उधर, फिर दूसरे दामाद जी भी जाते रहे हैं और तीसरे दामाद जी भी जाते रहे। अब ये दामादों के बीच में सत्ता का खेल ये हमने शुरू करवाया है वहां पे। अब आपको मैं ये अगर कहूं कि ये चाइनीज अपने देश के भी नहीं है, सॉरी माफ कीजिएगा, ये जो माओइस्ट और ये जो मेन स्ट्रीम है अपने देश के भी नहीं। साहब जब ये खत्म होता है पूरा जो ये जंगल वाला जो फेज था और ये जब पावर में आते, इनका डिमांड देखो, नेपाल आर्मी को बैन करो पहला, पूरा इसको हम बुनियादी से रिस्ट्रक्चर करेंगे, यानी कि नेपाल आर्मी को हम पीएलए बनाएंगे, ये इनका इरादा था। वो इरादा नहीं हुआ, ये आर्मी चीफ को सैक करना चाहते थे। और उसी समय मैंने ये किताब लिखी थी, द अनमेकिंग ऑफ नेपाल। मैं यहाँ पर आके अपने नेपाल के दौरे के बाद मैंने यहाँ पे आके कहा कि ये सरकार गिरने वाली है इस बात पे, क्योंकि आर्मी चीफ ने अपना एक स्ट्रांग उन्होंने स्टैंड ले लिया था कि हम अपने आर्मी को बर्बाद नहीं होने देंगे, नहीं तो ये तो पूरा ये पीएलए बनाना चाहो तो आर्मी चीफ की रेजिग्नेशन में। वो फिर इन्होंने वो एक डिमांड उठाया कि ये जितने लोग जो कि क्रांतिकारी थे, इन क्रांतिकारियों को ले ले, क्रांतिकारी थे ये गुंडे बदमाश लफंगे एक्सटॉर्शनिस्ट। अभी पूछो प्रचंडा क्या पीता है, सारे जंगल में भी स्कॉच पीते थे और अभी भी स्कॉच पीते हैं, और सारे के सारे इनके जो बड़े नेता है ना, आप पता लगा लेना, कोई खुल के क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर गया है और ये कोई व्यक्तिगत पूछिएगा कि प्रचंडा का बाप का जब अंतिम दाह संस्कार हो रहा था इसके पिताजी का, तो ये वहां से क्यों चला गया था, ये पूरा नेपाल जानता है इसको। तो आप बताओ कि जो देश अपने ही आर्मी को डिमोरलाइज करे, उनको आप गद्दी पे बैठने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां पे मैं आया तो हमारे यहां भी नालायक है ना, ये जो ये अपने जो लेफ्टिस्ट हैं, तो एक मेरे बुक रिलीज की उस समय राजगोत्रा साहब ने मेरी बुक रिलीज की थी, तो उस समय ये बात हुई, एक आपको मालूम है एक साउथ से एक पेपर निकलता है, वो नालायक उसका कुछ दिन के लिए एडिटर बना था। तो मुझे याद है कि जहाँ पे ये गोष्ठी हो रही थी, ये सेमिनार हो रहा था ये कुछ साल पहले, तो ये अपने आप को लेफ्टिस्ट था, और उस समय प्रचंड जो था वो बड़ा अननोन कमोडिटी था, लोग सोचते थे कि पता नहीं ये प्रचंड है क्या चीज़, ये चीज़ है। तो ये आया और ये आपके सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज़ में, ये साउथ का जो जर्नलिस्ट जो है वो अपना पूरा डिंगे हाँक रहा था, मैंने ऐसे मिला, मैं ऐसे गया, मैं जंगल में गया, मैं वहाँ गया, हमारे भी कुछ लोग, अच्छा मतलब ये कितना बड़ा हीरो है, परमवीर चक्र वो करके आए। तो उसने कहा कि मैं कैसे मैंने पूरा अनरैवल कर दिया है, उनकी योजना क्या है, ऐसे मरो जो साई वॉरफेयर होता है। कुछ साल के बाद बुक रिलीज में मैंने उस आदमी को एज ए डिस्कसेंट बुलाया, अब वो मेरी किताब पढ़ने के बाद वो कहता है कि ये तो पॉलेमिक्स है माओवादियों के खिलाफ, क्योंकि ये माओवादियों का दामाद था।